हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं ब्रेक डांसिंग आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मल्टीमीटर। आई होप आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आपके कोई भी डाउट्स वीडियो से रिलेटेड अगर होते हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं आज मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर की। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अल्टरनेटिंग का साइन है, वी अल्टरनेट 200 से 600। यहाँ पर आप मल्टीमीटर को सेट कर घर का वोल्टेज 230 वोल्ट देख सकते हैं। 200 से ऊपर ही रखिए, 600 में एसी वोल्ट बताएगा। देन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डीसी वोल्ट मेजर कर सकते हैं 200 मिली से 600 वोल्ट तक। ये डीसी का साइन है वोल्ट में। और यहाँ पर 2M 200K 20K 2K और 200, ये क्या है? तो ये है रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये कंटिन्यूटी मोड है। यहाँ पर बीप का निशान आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हम प्रॉब को आपस में टच करेंगे, ये जी हाँ, बीप का साउंड यहाँ पर आता है। और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए रहता है ये प्रॉब, ये पॉइंट। यहाँ पर इमीटर, कलेक्टर, बेस और इमीटर। यहाँ पर अगर आप ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे तो आपको प्रॉपर रीडिंग शो होगी। देन यहाँ पर एम्पियर के लिए रहता है, मैंने बताया। ये मैंने यहाँ पर इसको लगा रखे हैं प्रॉप्स। तो पहले तो एम्पियर के लिए होता है 10 एम्पियर से लेकर यहाँ माइक्रो एम्पियर तक हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि चार्जर में रहता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर करेंट फ्लो होता है, तो उसके लिए रहता है यहाँ पर एम्पियर का। इस प्रॉब को यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ पर कॉमन, तब एम्पियर चेक होगा। अभी हम कंपोनेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो कॉमन पे मैं ब्लैक प्रॉब लगा रहा हूँ और वी ओम मिली एम्पियर पर रेड प्रॉब टच कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। पहले तो इसको कंटिन्यूटी मोड पर रखता हूँ मैं। देन उसके बाद हम एक LED को टेस्ट करने जा रहे हैं। LED के बड़े लेग पर रेड और छोटे लेग पर माइनस रखना है। ये देखिए LED ग्लो हो रही है। वैसे ही इस LED के साथ करते हैं, बड़े लेग पर प्लस और छोटे लेग पर माइनस। ये देखिए ग्लो हुआ। देन कंटिन्यूटी मोड पर हम इस डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं। डायोड 1N4007 डायोड है। पोलैरिटी इसकी सीधे पर ही बताएगा। ये देखिए रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है 560। ये डायोड बिल्कुल सही है। ये भी, ये सारे नए हैं, सारों में रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस वैसे मेरे पास 2.7K का है, 2 से ऊपर ही है, तो इसको 20K पर सेट करेंगे। देन उसके बाद इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है प्लस माइनस की, देख सकते हैं 2.65 है। 2.7K ओम्स का ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं एक DC पावर बैटरी, पावर सप्लाई के लिए यूज़ की जाने वाली। 20 पे मैंने रखा है, 9 वोल्ट की ये बैटरी है, देख सकते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट्स की है। ये देखिए पूरे 9.32 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस है जो कि LED में फ्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। 47 ओम्स का ये 47, देख पा रहे होंगे 46.5 आ रहा है। और ये हाफ वाट है, ये भी हाफ वाट के ही हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि मल्टीमीटर से कंपोनेंट टेस्टिंग कैसे की जाती है। कोई भी डाउट्स अगर हो आपके इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैस्टेक के इस मॉडल नंबर MAS830L में एक फ़ीचर ये भी है कि यहाँ पर बैकलाइट का ऑप्शन है। कभी आप अंधेरे में रात में वर्क कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
और यहाँ पर होल्ड का भी है, जैसे कि कोई भी रीडिंग आ रही है तो ये उसको होल्ड करके रख लेगा। ये देखिए ये होल्ड हो गया, छोड़ेंगे तो 0 हो गया। काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल मल्टीमीटर है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।